नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीड़ित युवक की पत्नी ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। केतार से पुरुषोत्तम प्रसाद की रिपोर्ट। केतार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेरौनी गांव निवासी दिव्यांग ओम प्रकाश मेहता को हल्की नोकझोंक में गांव के ही तीन लोगों ने लोहे की छड़ से मारकर घायल कर दिया। पीड़िता के पत्नी रामद्रीता देवी ने बताया कि मेरे पति ओम प्रकाश मेहता ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। अभी गांव के ही विकी तिवारी खेत सही से न जोतने का आरोप लगाकर गाली गलौज करने लगा और आपसी नोकझोंक होने के पश्चात विक्की तिवारी के भाई विपुल तिवारी और पिता महेंद्र तिवारी मौके पर पहुंच लोहे के रॉड से मेरे पति ओम प्रकाश मेहता पर हमला बोल दिया और मेरे पति घटनास्थल पर ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी हरिहरपुर ओपी प्रभारी को दी गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से पीड़ित ओम प्रकाश मेहता को इलाज हेतु सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया गया, जहां इलाज कर रहे चिकित्सक गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित युवक की पत्नी ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। आपका परिचय? रामरीता देवी नाम है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश मेहता जी। समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो व्यक्ति मेरे पति को पर प्रहार किया छड़ से लाठी डंटों से, और उसके दो एक भाई और पिता तीनों को पुलिस अरेस्ट किया और हथकड़ी लगाया, गाड़ी पर बैठे ले गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मतलब अपराधी था उसी को छोड़ दिया गया, जो मुख्य आरोपी था उसको, जो विकी तिवारी मुख्य आरोपी है। हाँ, मुख्य आरोपी है। उसको हथकड़ी पहनाया गया, जेल ले गया गया और फिर छोड़ दिया गया। वो घर शाम को आकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाड़ी में आग लगाने की धमकी दे रहा है। अच्छा। और बोल रहा है कि हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, अभी इलाज कैसे चल रहा है आपका पति का? मेरे पति बहुत ज्यादा सीरियस है, उनका कमर का ऑपरेशन हुआ था भिलोर में, उसी पर विकी तिवारी छड़ द्वारा रड द्वारा और लाठी डंटों से मारकर उनका जहाँ ऑपरेशन हुआ था उस घायल कर दिया उनको। झगड़ा का शुरुआत कैसे हुआ? झगड़ा का शुरुआत, मेरा गाड़ी खेत में चल रहा था तो विकी तिवारी इधर से जा रहा था, बोला कि ऐसी गाड़ी चलाइबे रे, तो बोले कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ओकरे पर बात बढ़ गया अरे तरे पर और फिर वो मार कर घायल कर दिए उनको। अभी स्थिति क्या है? स्थिति उनका बहुत गंभीर है, चल फिर नहीं रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं और बोलने में भी जब बोल रहे तो उनका जो नस का ऑपरेशन हुआ था कमर का उसमें दर्द बढ़ जा रहा है। पुलिस इस मामले को देखने आई थी? पुलिस इस मामले को देखने आई थी। उन लोग तीनों को विकी तिवारी, विपुल तिवारी और उनके पिता महेंद्र तिवारी को अरेस्ट किए, हथकड़ी लगाए और जो सबसे ज्यादा अपराधी विकी तिवारी थे उन्हीं को पुलिस छोड़ दिए। विकी तिवारी ने मेरे पति का जहाँ ऑपरेशन हुआ था छड़ से प्रहार किया। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से दसवीं तक छठ पूजा से पहले निशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।